आई एम मोहम्मद अजहरुद्दीन शेख फ्रॉम तालीम रोजगार सेहत उर्दू मैगजीन औरंगाबाद। अभी जो 7 दिसंबर को पवित्र पोर्टल के ताल्लुक से सीएम उद्धव ठाकरे साहब का जो न्यूज़ जारी है और बहुत सारे लोगों तक वो पहुंची भी है, बहुत सारे उसे फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो ये एक्चुअल में क्या है और इसका हम आपको बताएंगे कि ये कुछ मराठी में भी एक दो इसके लिंक्स है जिसके मुताबिक अगर आप पूरा पढ़े तो उसमें आपको ये समझ में आएगा कि पवित्र पोर्टल बंद नहीं किया जा रहा, पोस्टपोन भी जो है स्थगित करने जो पोस्टपोन करने के ताल्लुक से जो भी न्यूज़ है तो वो सिर्फ इस तरह से है कि जो पवित्र पोर्टल में जो महकमे अफजाइश हैवानात जो पशु पक्षियों के ताल्लुक से जो और एनिमल्स जो होते हैं फॉरेस्ट उनकी अफजाइश नशोनुमा के ताल्लुक से जो एग्ज़ाम होते हैं तो उसके ताल्लुक से ये न्यूज़ है कि उसकी जो भर्ती है उसको पोस्टपोन की जाए और उसकी गलतियों को सुधारा जाए। तो ये वज़ीर आला उद्धव ठाकरे साहब ने हुक्म दिया है कि महकमा अफजाइश हैवानात में मुलाजमीन की जो भर्ती है उसके लिए मुनाकिद किए जाने वाला इम्तिहान महा पवित्र पोर्टल के ज़रिए ही लिया जाए। उन्होंने महा एग्ज़ाम पोर्टल में खामियों को दूर करने की हिदायत दी। महा एग्ज़ाम पोर्टल के ख़िलाफ़ वज़ीर आला के दफ्तर को कई शिकायतें मौसूल हुई थी। इस ज़िमन में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के जो ज़िम्मेदार हैं उनकी वज़ीर आला के ज़ेर सदारत जायज़ा मीटिंग मुनाक़िद हुई। मीटिंग में रियासती उज़रा एकनाथ शिंदे, सुभाष देसाई, जुनेद पट्टे पाटिल, MLA आदित्य ठाकरे और MLA आदित्य ठाकरे के अलावा चीफ सेक्रेटरी अजय मेहता, इस तरह से शख्सियात मौजूद थे और रियासती हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों में भर्ती के लिए एग्ज़ाम पवित्र पोर्टल के ज़रिए लेने के बारे में मीटिंग में तबादले ख्याल किया गया। ये महा पोर्टल रियासती हुकूमत की जानिब से सरकारी महकमों में भर्ती के लिए शुरू किया गया था और जो टीचर्स भर्ती के ताल्लुक से उसमें कुछ अपडेट्स आए हैं तो वह हम आपको इंशाल्लाह सेंड करेंगे। तो ये फ़िलहाल जो बैठक और मीटिंग की तो ये महकमे अफजाइश हैवानात के ज़िमन में थी। मज़ीद तफसीलात के लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब करके रखिए और दूसरों को शेयर कीजिए। थैंक यू।